इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, आज हमारे पास हमने ये अमेज़ॉन से जो है ये मॉड्यूल मंगाया है और इस मॉड्यूल के अंदर देखिए आपको कुछ इस तरीके से आपको बोर्ड मिलता है और इसके अंदर देखिए आपको एक माइक्रो का आपको सॉकेट मिल जाता है, जो हमारा नॉर्मल मोबाइल चार्जर होता है वो सॉकेट मिल जाता है। और यहाँ पर अगर आप सॉकेट पे भी वायरिंग नहीं करना चाहते तो आप माइनस और प्लस पे जो है डायरेक्ट ही यहाँ पर वायर लगा सकते हैं 5 वोल्ट की, और आपका जो है बैटरी चार्ज होगा। तो ये कौन कौन सी बैटरी चार्ज कर सकता है, तो देखिए एक आपकी ये वाली बैटरी आती है जो हमारी लिथियम आयन बैटरी होती है 3.7 वोल्ट की, उसको चार्ज कर सकता है। एक हमारी ये वाली 3.7 वोल्ट की बैटरी होती है, इसे भी चार्ज कर सकता है। और एक हमारी ये 4 वोल्ट की बैटरी होती है, 4 वोल्ट, ये हमारी जो है हाफ एम्पियर से भी कम की है। आप इसमें 1 एम्पियर या 2 एम्पियर 3 एम्पियर तक की भी बैटरी चार्ज कर सकते हो इस तरीके की। तो ये मॉड्यूल जो है हमारा इस तरीके से आता है और इसके अंदर दोस्तों आपको बैटरी प्रोटेक्शन भी सही मिलती है, क्योंकि इसके अंदर देखिए आउटपुट पे यहाँ पर 4 प्रिंट दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए बैटरी प्लस और बैटरी माइनस पे यहाँ पर बैटरी की वायर जुड़ेगी और जो आउटपुट है वो आपको यहाँ से लेना होगा। आउटपुट जो है आपका देखिए प्लस ये रहा आउटपुट और माइनस वाला आउटपुट ये रहा। तो इसके अंदर बैटरी चार्जिंग के लिए वायर अलग होती है, आउटपुट के लिए अलग होती है, अगर आप इससे कोई भी सर्किट चलाना चाहते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों कि हमारी बैटरी की जो है प्रोटेक्शन मिल जाती है। यहाँ पर देखिए प्रोटेक्शन आईसी भी लगाई हुई है और एक आईसी हमारी जो है यहाँ पर 4056 लगाई हुई है, जो हमारी बैटरी को इंडिकेट करती है कि बैटरी हमारी फुल हो चुकी है। तो इसके अंदर क्या है दोस्तों, जब हम इसको चार्जिंग से लगाएंगे तो यहाँ पर एक रेड कलर की एलईडी जलती है और जब हमारी जो बैटरी फुल हो जाती है तो ब्लू कलर की एलईडी जलती है। तो इसकी मैं वायरिंग करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से वर्क करता है। तो देखिए पहले जो है दोस्तों मैं थोड़ा सा यहाँ पर सोल्डर लगा लेता हूँ, सोल्डर से जो है हमें वायरिंग करने में यहाँ पर सोल्डिंग से आसानी होगी। तो मैं सिंगल बोर्ड ही ले लेता हूँ ये रहा, तो एक बोर्ड को अलग कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे दोस्तों, बैटरी का जो पॉजिटिव वाला साइड है वो मैंने ब्लैक बना रखा है, तो मैं यहाँ पॉजिटिव को लगा दूंगा। तो ये देखिए मैंने ये पॉजिटिव कनेक्शन कर दिया और नेगेटिव जो है वो हमारा ग्रीन वाला है। तो ये देखिए ये हमारे जो बैटरी के कनेक्शन है कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, ये पॉजिटिव है हमारा और ये नेगेटिव है, ये देखिए इस तरीके से। तो अब देखिए मैं इसको जो है पावर देता हूँ और देखता हूँ इसके अंदर बैटरी चार्ज होने पे कौन सी एलईडी ब्लिंक करती है। तो जैसे ही हमने इसको पावर दी तो यहाँ पर देखिए एक रेड कलर की एलईडी जल चुकी है। अब हम इसके अंदर दोस्तों इसको थोड़ा सा वेटिंग के लिए रख देते हैं और ये देखते हैं कि इसके अंदर बैटरी फुल होने के बाद हमारी ब्लू कलर की एलईडी जलती है या नहीं जलती है। तो दोस्तों वीडियो को मैं थोड़ा सा कट कर देता हूँ और इसको हम थोड़ा वेटिंग में डाल देते हैं और इससे देखते हैं कि हमारी बैटरी फुल होने के बाद इसके अंदर ब्लू कलर की एलईडी जलेगी या नहीं जलेगी, क्योंकि हमारा जो सर्किट है यही बताएगा कि हमारी बैटरी फुल हो चुकी है। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर कुछ देर के बाद जो है हमारी बैटरी देखिए चार्ज हो गई है और देखिए ब्लू कलर की एलईडी इसके अंदर जल गई है। तो दोस्तों इस तरीके से ये सर्किट हमें बता देता है कि हमारी जो बैटरी है फुल चार्ज हो चुकी है। तो ये फुल चार्ज हो गई है बैटरी, तो अब हम इसको डिसकनेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हम, आप क्या करेंगे, अगर बैटरी का हम यूज करना चाहते हैं तो इससे हम क्या करेंगे, बैटरी के ऊपर हम कनेक्शन नहीं करेंगे, हम बैटरी की आउटपुट पर कनेक्शन करेंगे। तो देखिए बैटरी की आउटपुट पर मैं जरा आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ। तो ये देखिए, तो बैटरी के आउटपुट पे हम वोल्टेज को चेक कर लेते हैं कि हमारी जो बैटरी की आउटपुट है उस पर कितनी वोल्टेज आ रही है। तो यहाँ पर देखिए मैं माइनस की जगह पे रख देता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पर लगा दिया हमने और ये यहाँ लगा दिया। तो देखिए जब हम सर्किट का यूज करेंगे तो हम जो है बैटरी पर कनेक्शन नहीं करेंगे, हम जो आउटपुट लिखा हुआ है वहाँ पर कनेक्शन करेंगे। तो ये देखिए वोल्टेज जो है हमारी यहाँ पर शो करेगा, ये देखिए, और बैटरी पे भी चेक करेंगे तो बैटरी पे भी वोल्टेज आएगी। लेकिन हमें अगर कोई भी सर्किट अपना चलाना है तो हम बैटरी पे कनेक्शन नहीं करेंगे, हम करेंगे आउटपुट के ऊपर कनेक्शन, ये देखिए। तो इस तरीके से हम जो अपना सर्किट है वो कोई भी अगर चलाते हैं तो हमारा सर्किट पूरा सेफ होगा और कनेक्शन जो है देखिए एक हमारा यहाँ पर होगा
अगर हम कोई सा भी सर्किट चलाते हैं और प्लस वाला हमारा यहाँ होगा। तो दोस्तों मेरी जानकारी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा।